तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लोन एप्लीकेशन है ये मुझे यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, यानी कि मुझे ये लोन एप्लीकेशन 10,000 का यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है। और ऊपर आप देख सकते हो कि लोन ऑफर का ऑप्शन भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि इस मतलब जो मेरा ये जो लोन ऑफर करा गया है यहाँ से मैं 4 महीना के लिए ये इस अमाउंट को मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो इस अमाउंट को लेने के लिए मैं यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और अपने बैंक का यहाँ पे कुछ डिटेल्स दूंगा और सीधा विद इन 2 मिनट्स के अंदर मेरे अकाउंट में यहाँ से पैसा आ जाएगा। तो अगर आप भी लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो और आपको कहीं से भी लोन अगर नहीं मिलता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर मैं बताऊंगा जहाँ से आप लोन अगर अप्लाई करते हो गाइस, तो आपको इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं अपलोड करना है, ना कोई सिविल स्कोर आपको अपलोड करना है, ना कोई इनकम प्रूफ आपको अपलोड करना है। बस यहाँ से आप पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करके आसानी से आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर में आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो लोन एप्लीकेशन है गाइस, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर इस लोन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो और वीडियो के बीच में बता देंगे कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे आप फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको हिंदी भी मिल जाएगा, एक एंड आपको इंग्लिश मिल जाएगा। तो गाइज मैं यहाँ से इंग्लिश रखूंगा गाइज, तो मैं इसे कंटिन्यू इन इंग्लिश वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू इन इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद गाइज अब आपको करना क्या पड़ेगा गाइज, तो यहाँ पर आपको नीचे एक रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देख सकते गाइज कि यहाँ पे एरो का ऑप्शन एंड रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जाएगा गाइज, तो आपको इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद गाइज यहाँ से आप अपना मतलब मोबाइल नंबर से भी इसको आप मतलब लॉगिन कर सकते हो, यानी अपना फेसबुक अकाउंट से भी इसको लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपने मोबाइल नंबर से करूँगा गाइस, तो मैं यहाँ से साइनिंग इन विथ फोन नंबर वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया गाइस उसके बाद अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको साइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ से साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ पर मतलब अपना डाल के उसका साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके फोन नंबर पे एक OTP आएगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 अंक का यहाँ पे OTP आएगा और यहाँ पे सिकेंड चल रहा है, तो आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP आ चुका है और OTP भी यहाँ से फिलअप ले लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको लोन कैसे लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लोन का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अपना मोबाइल नंबर से वहाँ रजिस्टर करोगे, अपने मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही अप्लाई नाउ का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अब आपको इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। चलिए दोस्तों हम यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको मिनिमम 500 का लोन मिलेगा और आपको यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 तक का आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन दिया जाता है गाइस, ठीक है। तो अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन गाइस ऑप्शन देखने को मिलता है गाइस, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे उसके बाद अब आपको इस लोन एप्लीकेशन के यहाँ से परमिशन दे देना है। तो परमिशन देने के लिए यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन नीचे आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ से अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस लोन एप्लीकेशन को यहाँ से लगातार यहाँ से अलाउ करके इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से परमिशन दे देना है। जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन को आप वहाँ से परमिशन दे दोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि आपको यहाँ पे अपना 3 स्टेप यहाँ वेरीफाई करना है। पहला आपको आ जाता है एंटिटी वेरीफिकेशन, आपको यहाँ पे करना है एंड सेल्फी एंड पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है और आपको यहाँ से लोन आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाल देना है गाइज, आधार विथ OTP गाइज वेरीफिकेशन करना, आधार कार्ड को OTP से वेरीफिकेशन करना गाइज। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू मतलब वेरीफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना गाइज। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर करना, आधार कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इंटर करके नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करके कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे OTP इंटर करके कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे आप कंटिन्यू कर लोगे उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना यहाँ पे आपका स्टेप यहाँ से वेरीफिकेशन हो चुका है गाइस, डिजी लॉकर जो देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से अपना अलाउ कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अलाउ कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप अलाउ कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर दिया हुआ है। तो उसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक सेल्फी क्लिक करके यहाँ से आपको अपना एक सेल्फी अपलोड कर देना है।
जैसे आप वहाँ से अपना सेल्फी अपलोड कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देना, फुल नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद नीचे आपको अपना पैन कार्ड का नाम इंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड आपको जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर जो भी होगा गाइस आप अपना वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जहाँ रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आप वो सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद नीचे आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद उस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है, और आपको नीचे एक आपको ईमेल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप अपना ईमेल वहाँ पे इंटर कर लीजिए, उसके बाद आपको कंटिन्यू चलेगा जहाँ अपना ये सभी कुछ यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है करेंट इनकम टाइप गाइस, तो जो आपका इनकम आता है वो आपको मतलब बैंक अकाउंट में मिलता है या आपको चेक मिलता है या आपको कैश मिलता है, वो अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों हम अपना यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू कर लोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड गाइस आप जो भी हो वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करोगे उसके बाद अब आपको अपना बैंक अकाउंट का यहाँ पे नाम मतलब अपना सेलेक्ट करना है, आप जो भी बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हो वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वहाँ से अपना अकाउंट नंबर इंटर करके सबमिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करके मतलब बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे इंटर करके सबमिट कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे लोन ऑफर बता दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि मुझे यहाँ पे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 10,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है। तो गाइज अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद गाइज आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, और ऊपर आप देख सकते हो गाइज कि लोन ऑफर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आता है सेलेक्ट लोन थीम्स गाइज, तो यहाँ पे आपको इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि आपको दो टाइप का यहाँ पे लोन दिया जाएगा, जो देख सकते हो गाइज मतलब दो तरह से, एक आप मतलब आप ले सकते हो 2 महीना के लिए एंड आप मतलब ले सकते हो 4 महीना के लिए। तो अगर आप यहाँ से अगर 2 महीना का लिए अगर आप लेते हो गाइज तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज कि आपका मतलब जो भी है गाइज लोन अमाउंट जो भी आपका यहाँ पे सभी कुछ आपको आ जाता है। अगर आप मतलब 2 महीना के लिए लोगे तो यहाँ पे आपको 10,676 रुपये आपको 2 महीना में इनको पेड करना है। अगर यही अगर आप यहाँ से अगर 4 महीने के लिए लेते हो गाइस तो 11,324 रुपये आपको इनको पेड करना है। तो चलिए दोस्तों हम इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करके उसके बाद मैं वहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे आपका टोटल चीज़ आ जाएगा, तो अब आपको यहाँ पे सभी कुछ अपना यहाँ से देख लेना गाइस, उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। मैं सभी कुछ अपना यहाँ से देख लिया गाइस, मेरा सभी कुछ यहाँ से सही है गाइस। आपको यहाँ से अपना सभी कुछ एक बार अपना चेक कर लेना है, आपका टोटल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा गाइस, तो आपको यहाँ पे अपना देख लेना कि सभी कुछ सही है, उसके बाद आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि आपको अब एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करना है, जो देख सकते हो गाइस कि एग्रीमेंट का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एग्रीमेंट साइन करने के लिए नीचे आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना गाइस। तो चलिए हम यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेते हैं इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो जैसे मैं वहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि मेरा यहाँ से लोन अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे बोला 4 घंटा के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगा, बट गाइस ये 4 मिनट नहीं, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका जो भी अकाउंट नंबर दिए होंगे उस अकाउंट में वहाँ से आपको पैसा आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अभी आप लाइव प्रूफ देख सकते हो गाइस कि मैंने आपको यहाँ से लोन लेकर भी दिखा दिया गाइस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अगर आप इस लोन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो और अगर आप लोन अप्लाई करते हो गाइस तो आपको यहाँ से अच्छा खासा लोन मिल जाएगा, और लोन मिलने का गाइस आपको चांस भी है गाइस, क्योंकि मैं जो अपना लिंक गाइस वहाँ पे दिया गाइस तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारा लोन लिया हूँ गाइस। तो गाइस आप भी अगर मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करते हो गाइस इस लोन एप्लीकेशन गाइस तो आपको मतलब काफ़ी जल्दी आपको यहाँ से लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बता देते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप गाइस, जो काफ़ी अच्छा लोन एप्लीकेशन है गाइस। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर इस लोन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों अगर मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको इस ब्रांच पर्सनल कैश लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हुआ गाइस, आप वहाँ से जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आप भी आप लोन ले सकते हो गाइस। वहाँ आपको कोई
भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, कोई भी इनकम प्रूफ आपको अपलोड नहीं करना, कोई भी सिविल स्कोर अपलोड नहीं करना उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर। बस आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर 110% आप वहाँ से लोन लेकर जाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा। अगर आपको इस ब्रांच लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको यहाँ से लोन नहीं मिलता है तो आप वहाँ से भी जाकर आप लोन ले सकते हो। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना है गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।